What is Project K? एक मिनट को, मेरे को पता है आप लोग जाके कमेंट में गालियां लिखने वाले हो, इससे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोल देता हूँ। गलती इंसान से ही होती है यार, हो गई मेरे से भी गलती, अब माफ कर दो। और भाई जिन लोगों को नहीं पता कि मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, उन लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों हुआ कुछ ये वाला था कि 3 दिन पहले इसका ये वाला पोस्टर रिलीज होता है जो कि प्रोजेक्ट के का है, और वहां पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब कि मैंने अपना रिव्यू दिया था, काफी सारे लोगों ने भी दिया था, लेकिन वहां पे पब्लिक ना थोड़ा सा भाई भड़क गई थी, मतलब कि आप लोग ही भड़ गए थे और कमेंट्स में जाकर इतनी गालियां वालियां दी थी कि आपने प्रोजेक्ट के का जो पोस्टर है ना उसको देख के एक वीडियो बना दिया, लेकिन जो इसका टीजर आने वाला है, प्री टीजर आने वाला है, आपने अभी तक आपने वो वाला नहीं देखा। और उस वाली वीडियो के अंदर मैंने ये भी बोला था कि भाई प्रभास का करियर खत्म हो गया, प्रभास आगे चल नहीं सकता है, लोग उसको प्यार दे रहे, बाहुबली से उसको जितना प्यार मिला था ना वो सर पे चढ़ गया था, इस वजह से अच्छी अच्छी मूवीज नहीं बना रहा, जो कि देखो सच भी है। मेरे को भी उम्मीद थी भाई प्रोजेक्ट के से कि प्रोजेक्ट के जो मूवी बनेगी ना वो बहुत ही शानदार बनने वाली है, एक नेक्स्ट लेवल बनने वाली है, लेकिन जब उसका पोस्टर रिलीज होता है ना तो भाई मेरे को देखो अंदर से खुंदस आती है कि इतनी सारी मूवी बैक टू बैक फ्लॉप दिए जा रहा है। प्रोजेक्ट के से जो उम्मीद थी ना वो भी तोड़ दी ऐसा पोस्टर देके, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक, मतलब कि आप लोग इतना ज्यादा क्यों भड़क गए थे, मेरे को इतने ज्यादा कमेंट वगैरह दिए थे। और शायद भाई ये भी हो सकता है कि कमेंट आपके देने की वजह से अगले दिन ही उसका एक प्री टीजर आता है सामने निकल के, जिसके अंदर मैंने देखा ना मेरे होश उड़ गए, और एक्चुअली में मेरे को लगा कि मैंने गलती कर दी ये वाली वीडियो बना के, क्योंकि जो इसको मैंने प्रीव्यू टीजर देखा था ना वो भाई नेक्स्ट लेवल का मेरे को नजर में आया, मतलब मैं यार सोच नहीं सकता था कि भाई प्रभास अब की बार ये वाला काम करने वाला है। आदि पुरुष ने जो हाल किया ना ये चीज मैं समझ गया कि आदि पुरुष मूवी थी ना वो वाली अलग थी, जो प्रोजेक्ट के है, प्रोजेक्ट के देखो मैं इसको नहीं बोलूंगा, इस वाली मूवी का इन्होंने नाम चेंज कर दिया, काल की कर दिया 2898 काल की 2898 ये वाला इन्होंने इसका नाम कर दिया, थोड़ा सा समझना मुश्किल था, ठीक है ये भी बताऊंगा कि आपने 2898 क्यों किया है। तो अभी फिलहाल आते हैं भाई इसके प्री टीजर के ऊपर, प्री टीजर के ऊपर आते हैं। वीडियो मैंने देखी, इसका प्री टीजर मैंने देखा, बहुत ही शानदार लगा मेरे को, उम्मीद नहीं थी कि प्रभास अब की बार ऐसा काम कर सकता है। जितनी भी मूवी है ना इसके अंदर एक्चुअली लग रहा है कि 600-700 करोड़ का बजट है मूवी का, और इन लोगों ने ना बड़ी ही चलाकी से महाभारत को मॉडर्न महाभारत के अंदर कन्वर्ट करके दिखा दिया, और इन्होंने जो प्री टीजर निकाला है ना वो इतनी शानदार, मतलब इतनी चलाकी से निकाल रखा है ना कि हम लोगों को ना वीडियो दिखा दिया, हम लोगों को बता भी दिया कि मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है, और सच बताऊं तो हम लोगों को पता भी नहीं है कि इसके अंदर होने क्या वाला है। नहीं समझे ना क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या बोला था, लेकिन एक्चुअली सच है। जो हमें इसके प्री टीजर के अंदर नजर आता है ना वो हमें दिखता है कि जो प्रभास होता है इसके अंदर वो सुपरमैन का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे प्रभास के साथ साथ हमें दीपिका पादुकोण भी देखने को मिल रही है, और दीपिका का कुछ ये वाला सीन नजर आता है इसके अंदर, मतलब कि काफी सारी लड़कियां होती है ना उनको बंदी बना लिया जाता है और वहां पर प्रभास आता है उनको छुड़वाने। ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर सुपरमैन है तो भाई लड़कियों को छुड़वाने तो आएगा। मेरे को देखो एक चीज की भाई टेंशन है, इस बात पे कोई गालियां नहीं देगा, बट ये चीज सच है कि इन्होंने सारी चीजें बढ़िया कर रखी है। मेरे को एक ड्रॉबैक लग रहा है कि कहीं ये वाली मूवी भी दोबारा फ्लॉप ना हो जाए। वो वाला ड्रॉबैक ये वाला है कि मूवी के अंदर सारी चीजें बढ़िया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, एक्टिंग को देखो, मतलब की एक्टिंग जितनी भी हमें देखने को मिली है वो वाली बढ़िया है, और सॉन्ग्स इसके काफी बढ़िया होने वाले हैं। डायलॉग अगर इसके खराब निकले, यानी कि मतलब कई बार ऐसा होता है जो सुपरमैन टाइप की हम मूवीज बनाते हैं ना वहां पर हम एक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम डायलॉग्स के ऊपर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, और जो पब्लिक होते हैं ना वो सुनने में ज्यादा गौर करती है कि मतलब कि कैसे कैसे हमें डायलॉग सुनने को मिल रही है, इसी वजह से मूवी हिट हो जाती है और इसी वजह से मूवी कई बार फ्लॉप भी हो जाती है। बाकी हमने जो इसका प्री टीजर देखा है, प्रीव्यू देखा है ना, वो काफी ज्यादा शानदार नजर आ रहा है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये बात, अलग से आप बोर हो गए होंगे इसके, लेकिन हाँ जो सच है भाई वो है कि इसका जो प्रीव्यू टीजर है ना वो काफी शानदार नजर आ रहा है। एक चीज का हमें डर है कि आदि पुरुष का मैं नाम क्यों ले रहा हूं, मैं ये भी बता देता हूं कि जो आदि पुरुष का हमें टीजर दिखाया था, प्री टीजर दिखाया था, या जो भी था इसका जो फाइनल ट्रेलर था वो तक दिखाया था ना, उसका काफी शानदार लग रहा था, उसको देखने के बाद महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं देखो चीजें मैचें होने लगी है, ठीक है। जो आदि पुरुष के पहला जो आपको याद हो, पहला जो वाला जो टीजर आया था उसकी एक छोटी सी झलक आई, वो इन्होंने काफी गंदी दिखा रखी थी। यहीं पर इन्होंने जो प्रोजेक्ट के का जो पोस्टर दिखाया वो इन्होंने काफी गंदा दिखाया था, हालांकि इन्होंने अभी चेंज कर दिया। उसके बाद भी ये लोग लेके आते, आदि पुरुष वाले लेके आते उसका टीजर जो कि काफी शानदार होता है, काफी बढ़िया होता है। अभी ये लिखा है इसका प्रीव्यू जो कि काफी शानदार है, काफी बढ़िया है। अब ये आगे कुछ लेके आएंगे, यहाँ पर जो इसका फाइनल ट्रेलर था वो गजब का लग रहा था, हर किसी बंदे ने उसकी तारीफ की थी, बहुत ही तगड़ी वाली, ठीक है। अब अगर ये भी ऐसा कुछ लेके आता है, प्री टीजर लेके आते हैं, प्रीव्यू लेके आते हैं, जो भी लेके आते हैं वो भी शानदार होने वाला है। अब यहाँ पर आते हैं मूवी की तरफ, मूवी आपको पता है भाई आदि पुरुष की कैसी होने वाली है। यही हाल अगर प्रोजेक्ट के यानी कि काल की 2898 का भी अगर हो गया तो सोच लो प्रभास के करियर का क्या होगा, गालियां मत देना लेकिन सच बोल रहा हूं मैं। तो आप लोगों की क्या राय है भाई इस वाली मूवी को लेकर, जरा कमेंट करके बताना, और अच्छे अच्छे कमेंट करने, फालतू के कमेंट करने मत करना यार। और अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई इसको लाइक कर दो, कमेंट तो आप करने वाले हो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय बाय।